रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। बिहार का विपक्ष जो पिछले 80-90 दिनों से एक जीवन दायिनी शक्ति के तलाश में था, वो जीवन जानी शक्ति तेजस्वी यादव ने दे दिया है। आते ही उन्होंने लगातार धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी है और इस बैटिंग का असर विरोधी टीम पर देखा जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्ष पूरी तरह से हाशिए पर था। विपक्ष को हार स्वीकार करने में कई तरह की परेशानियां महसूस हो रही थी और उसे लग ही नहीं रहा था कि वो हार गए हैं। पर धीरे धीरे 3 महीने के इस अंतराल में विपक्ष ने ये स्वीकारना शुरू कर दिया है कि वो हार गए हैं और उन्हें अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। इस तैयारी को और जोर दे दिया तेजस्वी यादव ने, जो लगभग 70-80 दिनों के बाद पटना आए और पटना आते ही उन्होंने धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी। उन्हें सबसे बड़ा मुद्दा मिला जब भाजपा के लिए, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया, परेशानी भरा था और इस मामले को पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने पटना आते ही लपक लिया। इससे पहले ही उन्होंने ट्वीट कर दिया था, जो कि हमने आपको बताया भी था। पार्टी संघ प्रमुख के आरक्षण संबंधी बयान को लेकर अभी हलचल शांत करने की स्थिति में लगी हुई है। इस बीच में कई तरह के और भी खबरें आने लगी। दल के आधिकारिक सूत्रों द्वारा इस बात को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है। वहीं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी इस आरक्षण वाले बयान को लेकर के अब काफ़ी भीतर ही भीतर आंदोलित हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं यह बयान उनकी कुर्सी न छीन ले। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जहां सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए अगली लड़ाई लड़ने वाली है, यानी 2020 का चुनाव जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे से मुख्यमंत्री बिठाने के लिए लड़ेगी, वहीं अब भी सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल के गठन और आने वाले चुनाव की भी कल्पना के साथ खुद को उप मुख्यमंत्री का पद सुरक्षित बनाने में लगे हुए हैं। इन सब बातों को लेकर के अब राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। दल के आधिकारिक सूत्रों द्वारा इस बात को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके बयानों को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता और वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर यह बयान दिया है, जो काफ़ी सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमने आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने उनके सहयोगी दल जदयू के हवाले से आ रहे तल्ख बयानों पर चुप्पी साध ली है। खास कर इस मुद्दे पर सुशील मोदी और उनके परम प्रिय मित्र और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी अपना मुँह बंद कर रखा है। आरक्षण पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं जदयू के नेताओं और नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने भी इस मुद्दे पर खूब खुलकर बोला है और खून खराबे तक की बात कही है। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने बार बार स्पष्ट किया है कि रिजर्वेशन कभी समाप्त नहीं होगा। इसके बाद भी लोगों को भड़काने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत के वक्तव्य को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है। इसी के साथ ही सुशील मोदी ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि एनडीए सरकार ने बिहार में पहली बार दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन दिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% रिजर्वेशन दिया। अपनी दूसरी पारी में सीमा पर रहने वालों को भी रिजर्वेशन देने के लिए बिल पास कराया। आगे मोदी लिखते हैं कि धारा 370 निष्प्रभावी होने से रिजर्वेशन का लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलने लगेगा। अब इन बयानों के बाद चर्चाएं जोर पकड़ चुकी है। खास करके भाजपा के अंदर ही मोदी के बयान को लेकर दो फाड़ है। एक पक्ष जदयू पर इस मुद्दे पर गलत बयानी का आरोप लगा रहा और संयम रहने की नसीहत दे रहा है, वहीं दूसरा खेमा भाजपा नेताओं को भी संयम में रहने की बात कर रहा है। आरक्षण का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। इस मुद्दे के उछलने का खामियाजा भाजपा भुगत चुकी है। ऐसे में हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है, पर मामला गर्म है। जहां विपक्ष पूरी तरह से कमर कस चुका है,
वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबी चुप्पी के बाद इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। वहीं महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल भी हाथ आए इस मुद्दे को अंतिम परिणाम तक ले जाना चाहते हैं। वीआईपी के प्रमुख ने तो आरक्षण पर हाथ लगाने वालों का हाथ काटने तक की बात कह डाली। अब बिहार में एक बार फिर से 2020 के रन से पहले शुरुआत भले जेडीयू और बीजेपी ने चुनावी तैयारियों का किया हो, पर मामला विपक्ष ने गरमा दिया और खासकर तेजस्वी यादव ने आरक्षण मुद्दे से दूसरी पारी का शुरुआत कर आरजेडी और महागठबंधन दोनों में जोश फूंक दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए परेशानी जेडीयू के नेता ही बढ़ाने लगे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री और वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने मोहन भागवत के साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस संगठन के लोग आरक्षण की बात करते हैं वे पहले यह बताएं कि उनमें कितने लोग आरक्षित हैं। जब नियत ही साफ नहीं है तो इस पर चर्चा करना बंद कीजिए। इसी के साथ ही श्याम रजक ने मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरक्षण दलितों के लिए था, लेकिन फायदा किन्हें मिला है, इस पर वो प्रश्न खड़े कर रहे हैं। जो संगठन के लोग आरक्षण की बात करते हैं उस संगठन में कितने लोग आरक्षित वर्ग से आते हैं, कई प्रश्नों के साथ श्याम रजक ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। इस मुद्दे को लेकर जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ अपनी पार्टी में भी प्राण फूंकने निकल पड़े हैं, आरक्षण को लेकर पहले भी वो बिहार का दौरा कर चुके हैं। अब नए रणनीति के तहत ऐसा लग रहा है एवं जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सड़क से लेकर सदन तक अब लालू स्टाइल में संघर्ष करने का मन बना चुके हैं। बिहार में दो उप मुख्यमंत्री की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, जहां एक तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तो दूसरी तरफ वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों ही नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रह चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए सुशील मोदी का स्टैंड नीतीश कुमार के धारा पर रहता है या फिर वो अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लाइन पर आने वाले चुनाव में सीएम की धारा पर सियासत की शुरुआत करते हैं। आपको पहले भी बताया गया है कि भाजपा इस बार 2020 में सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने वाली है। सीएम पद की लड़ाई में नीतीश को अपने ही दो उप मुख्यमंत्रियों से मुकाबला करना पड़ सकता है। देखने वाली बात होगी कि इस लड़ाई में कौन सा साथ रहता है और कौन टक्कर देता है। ये मामला काफ़ी दिलचस्प हो गया है और इस मामले को लेकर के बिहार की राजनीति काफ़ी गर्मा चुकी है। मामला त्रिकोणीय होने से और भी दिलचस्प हो गया है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा पुरजोर तरीके से अपनी बात रख रहा है कि बिहार में हम अगला चुनाव मुख्यमंत्री भाजपा का हो इसके लिए लड़ेंगे, वहीं सुशील मोदी का नीतीश कुमार के प्रति प्रेम और मित्रवत नाता बहुत कुछ कहानी कहता है। आने वाला 2020 का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। यह चुनाव अब तक के सभी चुनाव से ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही परिणाम लेकर के आएगा। जुड़े रहें न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आप भी हमारे साथ जुड़कर अपने क्षेत्र की खबरों को बड़े चैनल पर दिखाना चाहते हैं, भारत लाइव के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप एक बार मिस कॉल करें या फिर फ़ोन करें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।